हेलो एवरीबॉडी। सो ये वाला ब्लॉग जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये 2 साल पहले का ब्लॉग है जहाँ पे आई वॉज जस्ट डायग्नोज प्रेगनेंट व्हेन आई वेंट टू गोवा। तो ये पेंडेमिक का टाइम था और हमने अपना बैंगलोर वाला घर छोड़ दिया था। वी आर लिविंग इन जबलपुर एंड थोड़ा सा जब हमारा कोविड सिचुएशन सबसाइड हो गया था, वी हैव प्लान फॉर अ वर्केशन एज एवरीबॉडी एल्स। तो हमने सोचा हम गोवा जाएंगे, 2-3 महीने रहेंगे, चिल मारेंगे। तो हमने बहुत ही कॉस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से अपना थोड़ा जर्नी थोड़ा सा प्लान किया और बहुत ही रैंडम रखा। अभी 1 o'clock हो रहा है, हमारी ट्रेन आने ही वाली है, हमारी कंफर्म नहीं हुई है टिकट। इट्स लिटरली 4 degrees हियर, वी विल बी रीचिंग गोवा, दैट विल बी मैक्स 30 degrees देयर। हमने ट्रेन पकड़ी और हम रात में 12 बजे पहुंच गए मारगोवा। जैसे ही हम रात में 12 बजे पहुंचे, हमारे पास बहुत सारा सामान, हमने इतना बॉदर नहीं किया, हम अपना सामान लेके चलने लगे। हमें एक होटल मिला और हम वहाँ पे जाके सो गए, वी वर वेरी टायर्ड। दूसरे दिन वी गॉट अप एंड देन हमने एक गाड़ी रेंट की और हम ढूंढने चले गए नॉर्थ गोवा साइड कोई स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का। हमें कोई रिजॉर्ट नहीं जाना था, ऑनलाइन हमें बहुत एक्सपेंसिव रिजॉर्ट मिल रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा गलियों में जाके ढूंढ लेंगे। एंड देन वी फाउंड दिस वेरी गुड स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का कम टाइम, वो 1000 rupees पर डे में दे रहा था। तो ये जो है, ये नीचे यहाँ पे ऐसा खुला रिसेप्शन है, नीचे जो है इस बिल्डिंग के ओनर रहते हैं यहाँ पे, और एक सीढ़ी है, सीढ़ी जो है वो यहाँ से आती है यहाँ से और ये जाती है। ये रूम्स बने हुए हैं अलग अलग, सब सेम रूम है और ये हमारा रूम है। ये है यहाँ पे, ये बेड है और ये छोटा सा किचन है। तो इंडक्शन दिया है, ये पैन दिया है, गंजी दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आपको ये साबुन वगैरह मिलेगा। और ये सब बाथरूम है, ये अलमारी और इधर पे बालकनी। तो ये बालकनी है जैसे कि ये दिखता है। आई थिंक ये तो कपड़े सुखाइए, कपड़े सुखाने का भी दे दिया यार, वाओ नाइस। 2 tables है, बाकी बालकनी में भी फैन है, ये है, एसी है और एसी, वाईफाई और सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हमने काम किया, वाईफाई वाज वेरी गुड, कभी ज़्यादा ही नहीं था वाईफाई, तो उस मामले में काफ़ी अच्छा था। एंड हम सिर्फ मॉर्निंग वॉक जाते थे, इवनिंग वॉक जाते थे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे एंड देन वी डिस्कवर्ड अ वेरी गुड कैफे हियर विच इज़ बीनिया। मलाबार टेम्पे विथ कैशू नट्स और एक वेज पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है एंड वी ऑर्डर्ड दिस। बाद हमने पूरा वीकडेज काम किया और फिर हम निकल गए अंजुना बीच की तरफ, बट हम एक डिफरेंट अंजुना बीच में गए थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं अंजुना के फ्ली मार्केट जो कि एवरी वेडनेसडे लगता है। ये 7 o'clock तक बंद हो जाता है, मतलब 5:36 तक ये बंद होना चालू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ आने के लिए आपको आफ्टरनून में कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा। Baby, 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 baby,
And now it's time to end the vlog. I will see you next week with another vlog of my vacation at Goa. So see you next week. Bye.